हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड ऑन स्टॉक्स। एंड देखिए, आज मंडे के ट्रेडिंग सेशन पर जब 4 दिन के बाद हम लोग ओपन हुए हैं तो एक ह्यूज वोलेटिलिटी का सामना मार्केट्स को करना पड़ा। अगर आप ग्लोबल न्यूज की तरफ ध्यान दें, ग्लोबल सेंटीमेंट्स की तरफ ध्यान दें, तो यूएस जॉब्स डेटा जो आए वो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत इंप्रूवमेंट्स वहां पर देखा गया। उधर FOMC की मीटिंग से भी जो चीज आनी थी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन कोई बैड इंपैक्ट वहां पर आपको नहीं दिखाई दिया। हालांकि ये बात जरूर है कि आज से पहले, यानी कि आज से एक दिन पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था एशियन बाजारों में, वो बहुत ज्यादा तेजी का नहीं था, इसलिए बहुत बड़ी गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आज के लिए। लेकिन सुबह SGX निफ्टी तकरीबन 60-70 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा था, तो वहां से क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा था कि गैप अप हमें मिल सकती है। एंड एज यूजुअल हमें एक गैप अप मिला। आज आपकी ये कैंडल देखिए कितनी शानदार कैंडल बनी है, और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज अगर 18,000 से ऊपर की क्लोजिंग हमें दे देता है तो एक बहुत अच्छा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, एंड जो प्राइस एक्शन की फॉर्मेशन यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है इसको एक बहुत पॉजिटिव मूव मिलेगा। एंड क्लोजिंग जो है 11th of November की जो एक्सपायरी है वहां पर 18,300 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बात हमने कल एक्चुअली डिस्कस करी थी निफ्टी टुमारो की वीडियो में। यहां पर एक बहुत अच्छी कैंडल की फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो यही चीज आप देखिए कि गिरावट के बाद में ऐसी कैंडल की फॉर्मेशन होना जो एक एक्चुअली में हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है, क्लियरली दिखा रही है कि बायर्स का जो रुख था, बायर्स का जो कंट्रोल था, वो बेयर्स से ज्यादा था मार्केट के ऊपर। एंड इसीलिए यहां पर एक अच्छी खासी 150 पॉइंट की तेजी के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दिए, तकरीबन 0.85% बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। ये डेटा आपके सामने आ रहा है। RSI की पोजीशन वापस से स्ट्रेंथनिंग वाली होने लगी है, हालांकि अभी भी 58 पॉइंट के आसपास, यानी कि 60 से नीचे है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसी एक्सपायरी के अंदर आपको देखिए ये एक बहुत बड़ी तेजी दिखा सकता है, यानी कि तकरीबन 65 के लेवल्स आपको RSI के अंदर आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो हेल्प करेंगे निफ्टी को 18,000 से लेके 18,300 तक पहुंचाने में। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहां पर समझनी चाहिए। आज पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ ये आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि इंडसइंड बैंक ने पूरा मूड बिगाड़ के रखा। वहां पर तकरीबन 12-13% की गिरावट जो आई है उसने बैंक निफ्टी को इतनी जबरदस्त गिरावट दिखाई, इतनी जबरदस्त वहां पर गिरावट देखने को मिली है कि जिसकी वजह से ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो उसका एक इंपैक्ट आपको बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पर भी आता हुआ दिखाई दिया। अब क्योंकि देखिए जो PSU सेक्टर के बैंक्स थे वो ऑलरेडी एक रीरेटिंग उनके अंदर हो चुकी है, वो पहले जैसे PSU सेक्टर के बैंक्स नहीं रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा सभी बैंक्स जो है ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर थे। SBI के रिजल्ट की वजह से इतनी शानदार तेजी थी, कैनरा बैंक तो आप देखिए कहां आसमान छू गया, PNB बैंक के अंदर भी लगातार तेजी जारी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक स्ट्रांग यहां पर कन्विक्शन पैदा कर रहा है चार्ट्स के ऊपर, मैंने कल एक सेपरेट वीडियो भी डाली थी उसके ऊपर। तो ऑल ओवर PSU बैंक की रैली आज यहां पर साथ नहीं देती हुई दिखाई दी, लेकिन अदरवाइज यहां पर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी। तो इंसेंट बैंक का जो मूव था उसने देखिए बेसिकली क्या किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये एक छोटी सी गैप अप यहां पर मिली है हमें आज बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन पहले ही कुछ मिनटों के अंदर ही, ये 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं तो भी ये आपको थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि 3 मिनट के अंदर ही बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी रेड कैंडल की फॉर्मेशन की। और इंडसइंड बैंक एक हैवीवेट स्टॉक है, टॉप 5 स्टॉक्स में से आता है बैंक निफ्टी के, इसलिए गिरावट भी बहुत ज्यादा सीवियर थी। और अगर आप देखेंगे 39,700 के लेवल से बैंक निफ्टी ने आधे दिन के अंदर, आधे दिन से भी कम में अगर आप देखें, तकरीबन 800 पॉइंट्स की गिरावट दिखा दी थी, लेकिन यहां से आती है एक वी शेप रिकवरी जिसने बैंक निफ्टी को तो संभाला ही संभाला, साथ ही में अगर आप देखेंगे तो पूरे निफ्टी को बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अभी भी स्टिल रिजायलेंस इंडियन मार्केट्स में इंटैक्ट है, एंड इसीलिए बहुत सोच के समझ के आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। वापस से आज यहां पर बहुत ज्यादा लॉस का सामना ट्रेडर्स को करना पड़ा होगा क्योंकि एक अनप्रिडिक्टेबल पाथ की तरफ बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया अगर आप देखेंगे दिन में 11:30-12 बजे के आसपास में, और बहुत शानदार रिकवरी यहां से आई है, यानी कि जो गिरावट थी वो पूरी की पूरी यहां पर आती हुई दिखाई दी है, कवर होती हुई दिखाई दी है 39,000 के ऊपर की क्लोजिंग, एंड 39,487 की
की टू बी वेरी प्रिसाइज यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है लास्ट कैंडल के हिसाब से, जो अपने आप एक बहुत स्ट्रेंथनिंग चीज है। मुझे ऐसा लगता है इंडियन बैंक में जो इंपल्सिव रिएक्शन था वो आके जा चुका है और कल आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि इस रैली के आगे बैंक निफ्टी रिज्यूम करता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे ये पूरा यकीन है कि 40,000 के ऊपर कल अगर क्लोजिंग होती है तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी आप एक बड़ा अपमूव देख सकते हैं 11 नवंबर की एक्सपायरी में। आज FIAs एंड DIAs ने देखिए अब क्या किया वो देख लेते हैं। DIAs बहुत ही जोश के साथ में तकरीबन 1900 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। ये क्लियर इंडिकेशन था कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना लीजिए, यही आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि म्यूचुअल फंड्स करते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियर यहां पर शो हो रहा है। अब देखिए सारी प्रॉब्लम दूर होने के बावजूद भी यहां पर FIAs जो है अपनी बिकवाली को रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 860 करोड़ की बिकवाली अगेन यहां पर आई है, तो यानी कि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो केवल एक या दो ट्रेडिंग सेशंस ऐसे रहे हैं जब FIAs जो है नेट बायर्स थे, अदरवाइज नेट सेलर्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल निभा रहे हैं यानी कि DIAs, और जब तक इस तरीके की बाइंग यहां पर आती रहेगी हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी धीरे धीरे ही सही एक स्टैग्नेंट कांस्टेंट मूव के साथ में ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। 41,800 का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी के अंदर, ये क्रैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें आगे की ट्रैजेक्टरी पर जाना है। और देखिए ये होना भी चाहिए क्योंकि हम बहुत दिनों बाद बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ के कंसोलिडेशन के बाद में बैंक निफ्टी ने चलना शुरू किया था, लेकिन वहां पर वापस से FIAs की वजह से एक जर्क लगता हुआ दिखाई दिया। तो यहां पर रैली रिज्यूम होनी चाहिए तभी ट्रेडर्स का फायदा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग बैंक निफ्टी के अंदर लोग करते हैं। आगे आपको लेके चलता हूं तो ह्यूज वोलेटिलिटी बेसिकली इस मिसमैच की वजह से ही है कि यहां पर सेलिंग है और यहां पर इतनी बड़ी बाइंग है। अब आगे आपको दिखाता हूं, देखिए बेसिकली आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं इसलिए हम थोड़ा कट शॉर्ट में आगे लेके चल रहे हैं। ऑल ओवर अभी भी कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट से नहीं है, ग्लोबल मार्केट से एंड इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वहां से भी कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज या इवेंट अभी आगे नहीं है जिसको फॉलो थ्रू करके मार्केट नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई दे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो स्पॉट है वो हमारे पास में 18,068 पर आ गया है। 11 नवंबर की एक्सपायरी हम लोग यहां पर ट्रैक कर रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कि निफ्टी अगर ऊपर निकलता है 18,068 के तो कहां तक जाने का दमखम रखता है, यानी कि ATM स्ट्राइक प्राइस 18,050 है जो एग्जैक्टली कल हमारी प्रिडिक्शन थी कि बेसिकली यहां तक मार्केट जा सकता है। अब देखिए निफ्टी अगर ऊपर निकलता है तो 18,100 के ऊपर 67,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है एंड यहां पर बिल्डअप भी बहुत ज्यादा है। 34,000 आप देखेंगे यहां पर ओआई एडिशन है, चेंज इन ओआई है, तो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस पैदा कर रहा है कि 18,100 के ऊपर एक जर्क लग सकता है भले ही ये गैप अप में इसको क्रॉस करे क्योंकि मात्र 32 पॉइंट्स की ही कमी रह गई है 18,100 के लेवल को अचीव करने में। लेकिन देखिए ये बहुत बड़े गैप अप में तो बेसिकली शॉर्ट से कवर होते हुए नजर आएंगे, अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि कहीं रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएटेड है 18,100 के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से मार्केट का रिजाइलेंस मूड है एंड DIAs खरीदारी कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग द इंट्राडे सेशन आपको ये रेजिस्टेंस भी निकलता हुआ दिखाई दे सकता है एंड देन 18,200 के ऊपर हम बात करेंगे तो 69,000 का कंसीडरेबल OI एंड OI एडिशन ये स्ट्राइक प्राइस लेके बैठा है, ये फाइनली एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है सेकेंड हाफ के अंदर। तो 18,200 टच हो पा रहा है या फिर 18,200 के ऊपर क्लोजिंग हो पा रही है ये एक्चुअली में डिसाइड करेगा कि 18,300 के लेवल्स कितने ज्यादा अप्रोचेबल हैं, यानी कि वहां पर कितनी पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं या कितनी पोजीशंस कटती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखें तो यहां पर लॉन्ग बिल्डअप की पोजीशन है कॉल साइड के अंदर एंड लॉन्ग बिल्डअप का मतलब कॉल साइड में मार्केट बुलिश इंस्टेंस पकड़े हुए है, तो क्लियर इंडिकेशन है हमारे पास में जो अपर रेंज निकल के आ रही है मैं ये समझता हूं कि 18,200 क्रॉस करने की बिल्कुल यहां पर निफ्टी कोशिश कर सकता है, इसलिए जो मेरी अपर रेंज निकल के आ रही है वो 18,250 की है कि क्लोजिंग मिले या ना मिले लेकिन एक बार ये इंट्राडे में इसको टच करने की कोशिश जरूर करेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अब बात करते हैं सपोर्ट की कि देखिए जब ऊपर मार्केट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अभी भी कोई ऐसा पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी मार्केट से निकली नहीं है कि मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले जैसे पिछले कुछ महीने में हमने देखा है। मार्केट के अंदर अभी भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो नीचे जा सकता है जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कारण है FIAs। अगर FIAs 800 करोड़ की आज सेलिंग कर रहे हैं बाई चांस अगर ये कल 2000 प्लस करोड़ की सेलिंग कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर DIAs भी शायद संभाल ना पाए और मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ होता हुआ दिखाई दे।
और उसी हिसाब से अगर हम देखें तो 18,000 पर एक बहुत ही ज्यादा शॉर्टिंग की पोजीशन बनी है, 63,900 तकरीबन 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का वाई आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए 18,000 हम लोग यहां ट्रैक कर रहे हैं और उसके अंदर से 64,000 के अंदर से 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि चेंज इन वाई 43,000 है, यानी कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही केवल एड हुए। इट मीन्स यहां पर क्या है एंड चेंज इन लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या है, नेगेटिव में। तो यहां पर शॉर्ट बिल्डअप है, तो शॉर्ट बिल्डअप पुट साइड में जब भी होता है तो मैंने आपको क्या बताया, अगेन वहां पर एक पुट बेसिकली बुलिश साइड का इंस्टेंस क्रिएटेड हुआ हुआ होता है। तो यहां पर पुट राइटर्स हावी हैं, यहां पर कॉल बायर्स हावी हैं, लेकिन दोनों ही चीजें बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो 18,000 के सपोर्ट को क्रैक करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा जब उस कंडीशन में कि मार्केट्स के अंदर ऑल ओवर एक पॉजिटिव साइड में मोमेंटम बना हुआ है। इसलिए 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इन केस ये ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम आपको जो है 17,950 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा, जिसपे तकरीबन 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ ही है। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा आप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है 17,900 का ये वाला स्ट्राइक प्राइस, जहां पर एक सुपर बम्पर सपोर्ट है 1,00,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो भी आज मंडे के दिन। अभी आपके पास में 4 एक्सपायरी सेशन है, जनरली ऐसा सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलता मंडे के दिन, ऐसा सिनेरियो ट्यूसडे या फिर वेंसडे को देखने को मिलता है। और यहां पर चेंज इन वाई क्या देख रहे हैं, 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रोक्सीमेटली 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एड हुए हैं। तो इतने ज्यादा हाई पॉजिटिव, इतने ज्यादा हाई कन्विक्शन के साथ में 17,900 का पुट बेचा गया है कि लोगों को ये लगता है 17,900 के तो नीचे जब किसी भी कंडीशन में इस एक्सपायरी में नहीं निकलेगा। ये पुट राइटिंग एक्चुअली यही चीज दिखा रही है। तो इसीलिए देखिए मेरे हिसाब से जो लोएस्ट रेंज निकल के आ रही है निफ्टी के लिए वो 17,950 की रह सकती है कल के लिए। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे 17,950 से लेके एंड 18,250 तक यानी कि 300 पॉइंट्स की ये मूव आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये ऑल ओवर सिनेरियो यहां पर निफ्टी टुमारो की वीडियो में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम 75% पॉजिटिव इंस्टेंस रखते हैं एंड 25% ही नेगेटिव इंस्टेंस रखते हैं निफ्टी के कल के मूव के लिए। तो आई होप ये वीडियो के अंदर दिए गए सारे टेक्निकल पॉइंट्स एंड ये ओआई का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले दो और वीडियोस मैंने आज बनाई हैं, हिंदुजा ग्रुप के ही दोनों स्टॉक्स हैं एंसेंट बैंक, जो एक प्रिडिक्टेबल मूव वहां पर आता हुआ देखने को मिला उसके बाद क्या करना है, और दूसरा अशोक लेलैंड जो अगेन एक हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, वहां पर आज ऑल टाइम हाई लगा और अब वहां पर क्या ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है शॉर्ट टर्म के लिए, वो दोनों वीडियोस भी आप जाकर जरूर चैनल पर चेक करें। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।